पढ़ाई होती है? Yes, ma'am. होती है? कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है अपने यहाँ का, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? इधर रहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, इधर रहते हैं तो मैंने दे दी खाना, थोड़ा सा दे देती है, पूरा खाना लेके भाग जाती है घर, तो मैं बिल्कुल नहीं देती, खाना तो मिलता है। अब वो कह रही है ना सामने मिलता नहीं, अभी मिलता तो है, मैं तो पूरी बाल्टी जाती हूँ, वो पूरी भर के रह जाती है, थोड़ा थोड़ा सा तो दे देती है, पानी रहते हैं एकदम ड्राई है, सूखा है, उसमें पानी नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? कौन है अपने प्रधानमंत्री? कौन है अपने प्रधानमंत्री? तो मैंने दे दी खाना, थोड़ा सा दे देती है, पूरा खाना लेके भाग जाती है घर, तो मैं बिल्कुल नहीं देती, पढ़ाई होती है? Yes, ma'am. होती है? कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है अपने यहाँ का, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? इधर रहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री, इधर रहते हैं, कहाँ रहते अपने देश के प्रधानमंत्री, कहाँ रहते प्रधानमंत्री? नमस्कार, जय राम जी के, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चौपट। ये वक्त है हम बड़ा मलेरा विधानसभा के ग्राम बमनी में, और बमनी के एक स्कूल में जब हम पहुंचे और हमने बच्चन से जानी तो इनकी तमाम समस्याएं हैं, इनके जवाब लेने देंगे प्रिंसिपल से। सर का नाम आपका? प्रेमचंद लोधी है। कहाँ के हैं आप? सूरजपुरा खुर्द। खुर्द के। कितने टीचर हैं आपके कॉलेज स्कूल में? हमारे स्कूल में 6 टीचर पदस्थ हैं। पदस्थ हैं। आज कितने उपस्थित हैं? आज 5। 5 उपस्थित हैं। एक एब्सेंट है। एक एब्सेंट है। कौन सी क्लास तक है अपना स्कूल? 1 से 8 तक। 1 से 8। आपके बच्चों की समस्या है कि यहाँ खाना भरपेट नहीं दिया जाता है और जो बनाते हैं खाना वो लेके चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो बच्चों, हमने आपसे पूछा कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता है और जो बनाते हैं खाना वो अपने घर ले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे खाते नहीं है, पानी नहीं है तो इसलिए बच्चे खाते नहीं है, तो बोल बच्चे कहाँ गई वो बिटिया, खाना देते हैं कि नहीं देते? मैम थोड़ा सा दे देती है। क्यों नहीं खाते हो आप? वो कह रहे खाते नहीं है। हम तो खाते हैं रोजीना, लेकिन आप देते नहीं है? देते नहीं है। खाना तो मिलता है। अब वो कह रही ना सामने से, मिलता नहीं अभी बच्ची? सर मिलता तो है, मैं तो पूरी बाल्टी जाती हूँ, वो पूरी भर के रह जाती है, थोड़ा थोड़ा सा हमको दे देती है। कौन सा समूह बनाता है खाना? समूह को नाम बोलो। बता रहे हैं आपको, पता नहीं आपके सर है? बता रहे। तो पानी की व्यवस्था नहीं आपको? पानी यहाँ से हैंडपम्प ड्राई है, सूखा है, इसमें पानी है ही नहीं। टंकी बुलाना चाहिए ना, बच्चे पानी कैसे पिएंगे पढ़ने आएंगे? बॉटल लेके आते हैं घर से, तो घर से बॉटल स्कूल में व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं है व्यवस्था, पानी कहाँ है? टंकी नहीं है यहाँ पर, टंकी तो भी है ना, तो कहाँ भरी है वहाँ टंकी? भरी नहीं है तो फिर टंकी देख के क्या करें, तो कहाँ से लाएंगे? आपने बड़ा मलेरा के आपके विधायक से उनसे बात करी? जी। कब करी? करीब 4-5 माह पहले। क्या कहना है गर्मियों में? क्या कहना है उनका? उनने जी कहा था कि व्यवस्था हो जाएगी, तो आपने दोबारा कहना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। सीसी को भी लिख दिया। अच्छा, और पीएचई को भी लिखे, शिक्षा अधिकारी को बोला आपने? नहीं, बीओ साहब को भी बोला। क्या बोला उन्होंने? विकास खंड शिक्षा अधिकारी को क्या बोला? कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अब पानी की व्यवस्था बीओ की तरफ से नहीं होती है, वो पीएचई वालों का काम है। अब वो एसडीओ भी यहाँ पर लिख कर, एसडीओ की ड्यूटी लगी थी अभी पीएचई वालों की, स्कूल चलो अभियान में 10 तारीख को, तो वो बोल के गए थे कि बोर जल्दी सी भी हो जाएगा, वो हम करवाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात नहीं सुनी जा रही या फिर आप बात करना नहीं चाह रहे? बात नहीं सुनी जा रही, बात तो करना ही चाह रहे हम। इतने जब 300 बच्चे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए हम खुद परेशान होते हैं, जैसे हम लोग भी तो पानी पीना पड़ता है, तो अपना साथ लेके आते हैं, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। एक क्लास कितने घंटे की होती है? एक क्लास 35 मिनट की। 35 मिनट की होती है। आपके जो यहाँ पे पढ़ाने वाले बच्चे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छठवीं के बच्चे को ये नहीं पता कि हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये सभी सभी लोगों को थोड़ी कुछ कुछ बच्चों को तो मालूम होगा। किनको पता है, किनको पता है कौन है मुख्यमंत्री, किनको पता है? प्रथम सिंह लोधी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम सिंह लोधी मुख्यमंत्री। किनको पता है मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? किसी को नहीं पता। कौन सा? अभी सुन के आया है वो। एक बच्चा बोला, एक बच्चा बोला पूरी क्लास में, आपके पूरे स्कूल में एक बच्चा बोला। बच्चों से बच्चों को सब पढ़ाया जाता है, अब वो नहीं पढ़ते हैं। एक भी बच्चा नहीं पढ़ता है? एक भी बच्चा थोड़ी, एक बच्चा तो बताएंगे ही। कहाँ बताएंगे, कहाँ बता रहे हैं? पूछो आप, किससे पूछे भाई, बोले ना वो बताओ। तुम्हें बेटा पता, बेटा तुम बताओ कौन है अपने प्रधानमंत्री, कहाँ है अपने प्रधानमंत्री, कौन है अपने प्रधानमंत्री, कौन है अपने प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है अपना भारत को? शिवराज सिंह चौहान है प्रधानमंत्री, अपने अपने देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह हैं। कौन है? मोदी, मोदी। तो क्यों नहीं बोल रहे? किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ? अभी किसने सिखाया? हमें पता है तो उनने सिखाया। स्थिति बहुत खराब है सर आपके स्कूल की, इस स्थिति को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? आपके यहाँ पे आप क्या पढ़ाते हैं? आप भी पढ़ाते होंगे कोई सब्जेक्ट? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं तो क्या मतलब मैथ में इन लोगों को स्थिति बहुत गंभीर है, और आपके टीचर क्या कहते हैं? यहाँ का टीचर मैथ के हैं और सामाजिक विज्ञान के, और बाकी प्राथमिक के लिए सभी विषय चलते हैं। दो टीचर हैं जैसे आर्ट के लिए, गणित का और सामाजिक। बस इंग्लिश, इंग्लिश है ही नहीं अभी। अतिथि की नियुक्ति, अतिथि की नियुक्ति ही नहीं हुई। इंग्लिश कोई पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते अब हमें लोग देखते हैं। उनकी सज्जन सब तो जी सही है, इनकी सज्जन है वो पढ़ावे में, ये पढ़ाने में जो सीधे सज्जन है वो घर जाते हैं। पढ़ाने में सीधे सज्जन व्यक्ति घर जाते हैं, वो स्कूल में नहीं आते हैं। कौन कौन है? मैथ में क्या पढ़ाते हैं? प्राइमरी में पढ़ाते हैं। प्राइमरी में क्या पढ़ाते हैं? आपकी स्थिति बच्चों की बहुत गड़बड़ है, क्या कहना चाहिए? चल रही है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अभी एडमिशन हुआ है। सिक्स एट क्लास के बच्चे छोटे होते हैं? पढ़ाई चल रही है ये बात तो हमने मान ली, स्कूल संचालित है ये बात भी हमने मान ली, लेकिन सिक्स क्लास में बच्चे आए हैं वो फिफ्थ क्लास से ही आए होंगे ना, तो आपने फिफ्थ में उनको क्या पढ़ाया? जो विषय सभी होते हैं सब पढ़ाते हैं। तो क्या बच्चों के अंदर भी तो आना चाहिए? बेटा एबीसीडी आती है? एबीसीडी आती है? सुनाओ जरा एबीसीडी, सुना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू। एन कहाँ गया? हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। एन आई पी एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ। यदि आप देख रहे हैं कहाँ है सर, निकल लियो उधर। स्थिति यहाँ की बहुत गंभीर है, ये आपने देखी है। समस्या कहाँ आ रही है? सरकार में आ रही है, शिक्षकों में आ रही है, ये बात आपको तय करना है। ये हम बात कर रहे थे बड़ा मलेरा की, विधानसभा बड़ा मलेरा ग्राम बमनी की, जहाँ पर स्थितियों की स्थिति और शिक्षकों की स्थिति और यहाँ के खानों की स्थिति, जहाँ सरकार बड़ी बड़ी बातें देती है, मेन्यू के हिसाब से भोजन की बातें बताती है, तमाम तरह की योजनाएं बताती है, तमाम तरह के बच्चों को लाभ बताती है, वहाँ शिक्षकों की स्तर देखिए, बच्चों का स्तर देखिए, तय आपको करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें और बहुत सारी पुलें आपके सामने हम खोलेंगे। बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।